में चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी जंग में कूद चुकी हैं। इस बीच सीएम नीतीश कुमार चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिना सोचे कुछ भी बोल देता है। हम पूछते हैं कि अगर 10 लाख नौकरी दोगे तो पैसा कहाँ से आएगा, क्या नकली नोट दोगे या जेल से पैसा आएगा। इसके आगे नीतीश कुमार ने कहा कि 10 लाख लोगों को नौकरी क्यों दोगे, देना है तो बाकी लोगों को भी दो, बिना मतलब का कुछ भी बोलते रहता है। मेरे खिलाफ बोलने से प्रचार मिलता है। जब 15 साल शासन करने का समय मिला तो पति पत्नी ने कुछ नहीं किया, बिहार को बर्बाद कर दिया, अब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता दी गई, उन्हें रोजगार लगाने के लिए प्रेरित किया गया। हमने तय कर लिया है कि अब की बार मौका दीजिएगा तो हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे, कभी सूखा नहीं रहने देंगे। हर घर बिजली तो पहुंच गया, अब हर गांव में सोलर लाइट लगाएंगे। घर में लाइट बुझा दीजिएगा उसके बावजूद पूरा गांव रोशन रहेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि लोग दलितों के कंधे पर बंदूक रख कर चलाते हैं, आपराधिक घटनाएं होती थी लेकिन हमने सभी को सम्मान दिया, आगे आने का मौका दिया। अब कोई भी अपना कंधा बंदूक चलाने के लिए नहीं देता। हमने तय किया है क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के लोगों ने हमें 2005 के नवंबर से काम करने का मौका दिया। हमारा एक ही लक्ष्य है, न्याय के साथ विकास करना। हर तबके का विकास और हर क्षेत्र का विकास हो रहा है। हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपराध पर नियंत्रण किया, जो आंकड़े आए हैं, और बिहार इतनी बड़ी आबादी का राज्य होने के बाद भी 23वें स्थान पर है।